सो फ्रेंड्स, यहाँ पे पहली बात बताना चाहता हूँ, ये वीडियो कैसे बना रहा हूँ मैं मुझे भी नहीं पता, पर यहाँ पे जो बातें मैं ऊपर नीचे होती है, कभी कभी आगे भी जो होती है, तो यहाँ पे इस बात पर थोड़ा इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि गलत हो जाता है कभी कभी यार, रोबोट तो नहीं है, वो इंसान हूँ एक, तो यहाँ पे गलतियाँ हो जाती है। तो वीडियो को विदाउट एनी स्टॉप करते हुए इस वीडियो को ध्यान से वॉच करिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि इंस्टाग्राम ब्लू टिक लेने से क्या होता है, इंस्टाग्राम ब्लू टिक के बेनिफिट्स, इंस्टाग्राम ब्लू टिक कब मिलता है, इंस्टाग्राम ब्लू टिक के और कई सारे सवाल यहाँ पे इस वीडियो में प्रस्तुत करने वाले हैं। आप जो सवाल सर्च कर रहे हैं वो क्या पता आपको यहाँ पे इस वीडियो में ही मिल जाए, एंड आपको लगता है कि यहाँ पे ये जो मैंने सवाल अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ उसमें से और कई सारे सवाल यहाँ पे मौजूद नहीं, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, तो कमेंट जरूर करना। ओके, तो चलिए। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कुछ नहीं देने वाला हूँ, आपको वीडियो पसंद आता तो आप लाइक करेंगे, एंड आपको नॉलेजेबल कंटेंट यहाँ पे चैनल पे मिलते हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे एंड बेल आइकन पे भी क्लिक करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम। फर्स्ट जो बेनिफिट्स है वो है इनक्रीज ट्रस्ट फेथनेस। यहाँ पे कुछ उच्चार गलत हो सकता है पर यहाँ पे समझिए, आपके फॉलोअर्स ब्रांड एंड आपके बीच एक ट्रस्ट नेट बिल्ड होता है, मतलब एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, एक भरोसा बिल्ड होता है, जिसके कारण वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा और बेनिफिट्स मिलते हैं जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बढ़ते हैं, नेक्स्ट बेनिफिट क्या है इंस्टाग्राम ब्लू टिक मिलने के, तो नेक्स्ट जो बेनिफिट्स है लाइक्स फॉलोअर्स। जी हाँ, आपके फॉलोअर्स एंड लाइक्स जितने पहले थे से कई ज़्यादा गुना आपके फॉलोअर्स यहाँ पे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। पहले से आपके अच्छे फॉलोअर्स से आपके एंगेजमेंट है तो यहाँ पे प्रोफाइल विजिटर ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, उसके साथ फॉलोअर्स लाइक्स डे बाय डे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। फॉलोअर लाइक बढ़ेंगे तो सबसे फर्स्ट समझिए आपका इंप्रेशन बढ़ेगा, इंप्रेशन के साथ प्रोफाइल विजिटर बढ़ेंगे और प्रोफाइल विजिटर के साथ आपके अच्छे से कनेक्टिविटी भी यहाँ पे बढ़ जाएंगी। तो ये बड़ा बेनिफिट से यहाँ पे ब्लू टिक मिलने का। तो चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट बेनिफिट क्या है इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक मिलने के। नेक्स्ट बेनिफिट आर सिमिलरली है, जी वो बेनिफिट्स क्या है, बेस्ट एंगेजमेंट। एक अच्छा सा एंगेजमेंट कनेक्ट हो जाता है ऑडियंस और आपके बीच में। जी हाँ, एक अच्छी सी वहाँ पे कनेक्टिविटी बिल्ड हो जाए, जिसके कारण आपके पोस्ट पे लाइक आने लगते हैं, जो वीडियो अपलोड किया वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज आपके इंप्रेशन जाने लगते हैं। अभी जो आपके फॉलोअर्स एंड लाइक बढ़ रहे हैं तो समझिए आपके पास अच्छी ट्रस्टेबल एक यहाँ पे बेटर एंगेजमेंट आती है डे बाई डे। ऑडियंस के साथ जो कनेक्टिविटी है वो काफ़ी अच्छी बिल्ड हो जाती है, बढ़ जाती है, तो उसके कारण आपके फॉलोअर्स एंड लाइक तो बढ़ते ही, मतलब बेटर एंगेजमेंट यही एक बेनिफिट्स है। ओके, चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट बेनिफिट्स क्या है इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक ब्लू वेरीफाई लगने के। नेक्स्ट जो पॉइंट है, मोर स्पॉन्सरशिप। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट यही है, आपको पैसे मिलना स्टार्ट हो जाते हैं भाइयों, पैसे एक सबसे बड़ा एक बेनिफिट से आपको अच्छे खासे महंगे महंगे यहाँ पे स्पॉन्सरशिप मिलना स्टार्ट हो जाते हैं इंस्टाग्राम ब्लू टिक मिलने से। इससे ज़्यादा और कई सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि को ईयरली न्यू फीचर्स एक्सेस करने को मिलते हैं सबसे पहले, और जो भी नया फीचर्स आता है इंस्टाग्राम यूज करने के लिए, टेस्टिंग करने के लिए भेजता है, वो डायरेक्टली आप तक सबसे पहले यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है, जिस अकाउंट पे ब्लू टिक है उसको सबसे पहले मिल जाता है। एंड और एक यहाँ पे बेनिफिट्स आ जाता है, जो मेन बेनिफिट्स आता है, आप इंस्टाग्राम जैसे यूज़ करते तो अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम भी डे बाई डे इंक्रीज हो रहे हैं, रिपीट भी हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है। जी हाँ, डायरेक्ट सपोर्ट इंस्टाग्राम कम्युनिटी टीम का, ये काफ़ी बड़ी बात होती है इंस्टाग्राम पर, यहाँ पे आपको ब्लू टिक मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे और कई सारे बेनिफिट्स है, जैसे कि आप अदर्स अकाउंट्स को वेरीफाइड कर सकते हैं, आपका इंस्टाग्राम एक इंस्टाग्राम अकाउंट तो अदर भी इंस्टाग्राम अकाउंट पे वहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड होने के कारण वहाँ पे आप अप्लाई कर देते हैं इंस्टाग्राम वेरीफाइड के लिए, तो वहाँ पे भी आपको वेरीफाइड काफ़ी जल्दी मिल जाता है। और उसके साथ यहाँ पे एक बात आप जानते होंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम का ही है, तो आप जैसे ही फेसबुक पे जाते हैं वहाँ पे भी आपके आईडी है, तो वहाँ पे भी वेरीफाइड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो ये एक मस्त बेनिफिट है इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक मिलने का। एंड आगे मैं खुद की बात करने वाला हूँ। ओके, खुद सो फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक मिलने के और कई सारे बेनिफिट्स हैं, मैंने जो प्रैक्टिकल देखे वो बेनिफिट्स आपको बताने वाला हूँ। वो बेनिफिट्स ये कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट रिकमेंड करता है अदर ब्लू टिक अकाउंट्स में। जी हाँ, आपके अकाउंट अदर ब्लू टिक अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड किए जाते हैं, जिसके कारण फॉलोअर्स लाइक एंगेजमेंट तो बढ़ती है और आपके इंस्टाग्राम अकाउंट काफ़ी ज़्यादा रिकमेंड होती रहती है वहाँ पे।
एंड और एक मैंने बात नोटिस की, आप किसी इंस्टाग्राम अकाउंट पे पोस्ट पे जाके देखे होंगे पॉपुलर सेलिब्रिटी के, तो उसके कमेंट सेक्शन में जाके देखिए, किसी ब्लू टिक अकाउंट ऑलरेडी वेरीफाइड अकाउंट जब उस पोस्ट पे कमेंट कर देता है तो उस पोस्ट पे इतने ज़्यादा लाइक्स इतने ज़्यादा रिप्लाइज आ जाते हैं कि बताओ मत। जी हाँ, एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट्स ये कि आप जिस जगह पे मैसेज डाल देते हैं या जिस जगह पे कमेंट डाल देते हैं तो उस जगह पे आपकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक मिलना काफ़ी बड़ी बात है। तो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, आपकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाती है इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक मिलने से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एंडिंग में जो बताने वाला और एक बेनिफिट से मैंने खुद यहाँ पे चेक किया, आप किसी सेलिब्रिटी से या किसी भी बड़े सेलिब्रिटी से कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो उस समय भी आप यहाँ पे जब ब्लू टिक होते हुए किसी को मैसेज डालेंगे, बड़े पर्सन को, काफ़ी बड़े लेवल के नहीं पर मीडियम लेवल के पर्सन को मैसेज डालेंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वहाँ पर आपको रिप्लाई मिल जाए। तो ये कई सारे बेनिफिट्स हैं इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक मिलने के। अब बात आती है इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक कब मिलता है। इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक मिलने के लिए आपको कुछ टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है और इंस्टाग्राम पर ब्लू टिक लेने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। मैंने आई बटन पे यहाँ पे वीडियो डाल दिया है कि कैसे आप इंस्टाग्राम पे ब्लू टिक लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे इतनी जानकारी मैं इस वीडियो में प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। इससे ज्यादा और कई सारे सवाल आपके माइंड में है तो जरूर वीडियो के नीचे कमेंट करिए, कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ। थैंक्स दोस्तों वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। यहाँ हमारे वीडियो के नीचे आपको चैनल दिखा देगा, वहाँ पे क्लिक करके हमारे लेटेस्ट वीडियोस को जरूर वॉच करिए, क्योंकि काफी अच्छे अच्छे नॉलेजेबल वीडियोस यहाँ पे आपको मिलते हैं देखने के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स।